हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नेता चलिए रुक करते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में पानीपत के सर्कस ग्राउंड में विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से मनोहर लाल सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। और वही रैली को संबोधित सीएम मनोहर लाल ने किया और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सीए कानून सबको नागरिकता देने के लिए बना है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बना। तो वहीं सीएम ने कहा कि कांग्रेस कानून को लेकर लोगों के बीच में भ्रम फैला रही है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी भारत में आ चुका है उसे नागरिकता दी जाएगी। सीएए में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। सीएम ने कहा कि 5 साल पहले जो भी लोग भारत आ चुके हैं उनको नागरिकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी और इसी के तहत इतना ही अंतर किया गया है कि हिंदू सिख बौद्ध ईसाई सबको नागरिकता दी जाएगी। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने एनआरसी को लेकर विरोध करने वालों को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। अनिल विज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश में एनआरसी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने देश में अवांछित लोग बड़ी संख्या में छुपा रखे हैं। उन्होंने कहा कि एनआरसी से उनको असलियत खुलने का डर है, इनमें आतंकवादी और देश विरोधी हो सकते हैं जो कि पकड़े जा सकते हैं। इस दौरान विज ने सोनिया गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इटली से आई है, वहां जाकर पूछे वहां नागरिकता रजिस्टर बना हुआ है या फिर नहीं। वहीं जम्मू पुलिस के डीएसपी रविंद्र सिंह के आतंकवादियों की मदद में पकड़े जाने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की ओर से दिए गए बयान पर अनिल विज ने इसे कांग्रेस का एजेंडा बताया और कहा कि कांग्रेस का काम है धार्मिक उन्माद फैलाओ और हेटर्स कैंपेन चलाओ, पाकिस्तान के गुण गाओ। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने स्वच्छता और जन कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में नगरपालिका सचिव बम भूल सिंह को निलंबित कर दिया। संदीप सिंह की इस कार्रवाई से नगरपालिका समेत कई दूसरे विभागों में हड़कंप मच गया। दरअसल लोगों की शिकायत पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने पिहोवा नगरपालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और इसी दौरान लोगों ने बताया कि अधिकारी और कर्मचारी सीटों से लापता रहते हैं जिससे उनके काम लटके हुए हैं। लोगों की ओर से मिली शिकायत के बाद खेल मंत्री ने नगरपालिका सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एसीएस पी के दास ने जानकारी दी है कि घोटाला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जितने भी मिलों की ओर से घोटाले किए गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य जिला और आपूर्ति विभाग अधिकारियों की ओर से 1206 मिलों में जिनमें धान की कमी पाई गई है उनके खिलाफ भी नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। और वहीं सरकार की ओर से 3 किस्म के एक्शन होंगे जिसमें पैसे रिकवर, सिविल एक्शन और क्रिमिनल एक्शन शामिल हैं। ये रिकवरी गारंटर से ब्याज समेत की जाएगी। मामले में अगली कार्रवाई 15 दिनों में होगी। और नारनौल जिले का योजनाकार कार्यालय राम भरोसे चल रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ना तो यहां समय पर कोई अधिकारी मौजूद रहते हैं और ना ही कोई कर्मचारी यहां आता है और जिसके चलते यहां आने वाले लोगों के काम अधूरे पड़े हुए रहते हैं, लेकिन अधिकारियों को किसी का भी कोई डर नहीं है। और हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी ने जब कार्यालय पहुंचकर वहां का जायजा लिया तो देखा कि जिस अधिकारी का 9:30 बजे दफ्तर आने का समय था वो 10:30 बजे कार्यालय पहुंच रहे हैं और इसी के साथ कुछ कर्मचारी ऐसे भी दिखे जो अपनी जगह से ही निदारत थे। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच 85 को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच ने पलवल के एक कपड़ा व्यापारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने व्यापारी के कब्जे से 3 देसी कट्टे, 2 देसी पिस्टल, 90 जिंदा और एक कार भी बरामद की है। और बता दें कि पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि देर रात गाड़ी में अवैध हथियारों का जखीरा लेकर फरीदाबाद से पलवल की ओर जा रहे थे और उसी वक्त क्राइम ब्रांच 85 की टीम ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की जांच शुरू कर दी है। राय के कुंडला थाना क्षेत्र में एक युवती ने नौकरी का झांसा देकर युवक पर रेप का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि टिंकू नाम के शख्स ने युवती को नौकरी लगवाने के बहाने बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती को पिला दिया, जिसके बाद युवती के साथ बेहोशी की हालात में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और इस दौरान युवक के दोस्त भी उसके साथ मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश अभी तक जारी है। बुलेटिन जारी रहेगा, वक्त छोटे, फटाफट हरियाणा की ओर।
अंबाला छावनी में नगर परिषद की ओर से किराए पर दी गई सभी दुकानों को सील कर दिया गया है। दरअसल दुकानदारों को किराया देने के लिए लगातार 3 बार नोटिस दिया गया, लेकिन बावजूद इसके दुकानों का किराया नहीं दिया गया। और नोटिस दिए जाने के बाद भी नगर परिषद को इन दुकानों का किराया न देने पर कब्जा कर लिया है। नगर परिषद की टीम ने अंबाला छावनी के कबाड़ी बाजार, गांधी मार्केट, रामबाग रोड सहित पंजाबी मोहल्ले की लगभग 10 दुकानों को ताला लगाकर सील कर दिया। अब ये दुकानें दुकानदारों को तब तक खोलने की अनुमति नहीं दी है जब तक कि वो नगर परिषद का बकाया किराया जमा नहीं करते। गोहाना को जिला बनाए जाने की मांग अब तेज होने लगी। इसी कड़ी में अब गोहाना अनाज मंडी में व्यापारियों ने बैठक की और जिसमें सरकार से 26 जनवरी तक गोहाना को जिला घोषित करने की मांग की। बता दें कि इससे पहले गोहाना को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर गोहाना बार एसोसिएशन के वकील गोहाना के एसडीएम को सीएम के नाम भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। गोहाना अनाज मंडी के आढ़तियों की माने तो गोहाना जिला बनने का पूरा हकदार है। साइबर सिटी गुरुग्राम शहर की गिनती हाईटेक शहरों में की जाती है, लेकिन आज भी गुरुग्राम में कई ऐसे पार्क है जो बदहाली से जूझ रहे हैं। अब नगर निगम ने ऐसे ही पार्कों का सौंदर्यकरण कराने का फैसला किया है। गुरुग्राम में नगर निगम की ओर से 300 से ज्यादा पार्कों का सौंदर्यकरण किया जाएगा। गुरुग्राम नगर निगम पार्षदों के साथ मिलकर पार्कों की तस्वीर बदलने जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कितने पार्क को सुधारने में नगर निगम कामयाब हो पाता है और लोगों को कब तक पार्कों में सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। कुरुक्षेत्र जिले की विधानसभा लाजवा में लगभग कई सालों से शहर के बीचों बीच बना डंपिंग ग्राउंड लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। अब कई सालों के बाद नगरपालिका ने यहां 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी की। नगरपालिका की 4 एकड़ जमीन पर बना यह डंपिंग ग्राउंड अब स्विमिंग पूल, पार्क और बैडमिंटन कोर्ट में तब्दील होगा। वही लोगों ने बताया कि यहां बार बार चुनावों से पहले मंत्री और विधायक बोर्ड लगाकर तो चले जाते, लेकिन इनकी सुध लेने कोई नहीं आता था। और वहीं नगरपालिका चेयरमैन साक्षी खुराना ने बताया कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ खामियां रही जिसके चलते देरी हो रही है। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ ही पूरे शहरवासियों का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जल्द ही इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। रादौर के गांव घिलोर के निवासी बीजेपी नेता ने देर रात ट्यूबवेल पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया। थाना प्रभारी रादौर गुरदेव सिंह ने बताया कि राजकुमार का ना तो कोई विवाद सामने आ रहा है और ना ही उसे किसी तरह की कोई परेशानी थी। राजकुमार रादौर हलका में बीजेपी के महामंत्री थे और पुलिस की जांच में राजकुमार की जेब से एक पर्ची मिली है जिसमें 13,50,000 रुपए लेने का मामला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारिश के बाद घने कोहरे ने उत्तर भारत की जिंदगी में रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। अंबाला में घने कोहरे की चादर से घिरे हाईवे सुनसान नजर आई। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे और अंबाला रोहतक हाईवे पर कोहरे की सफेद चादर के कारण वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। हाईवे पर वाहन कतारों में लाइटें और इंडिकेटर जलाकर एक दूसरे के सहारे सफर तय करते नजर आ रहे हैं। और वहीं से घने कोहरे में मजबूरन घरों से निकलने वाले लोगों का कहना है कि कोहरे की वजह से वाहन चलाने में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और वाहन चालकों ने बताया कि ऐसे घने कोहरे में एक्सीडेंट का भी डर बना रहता है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी से ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। बढ़ती ठंड से लोग कड़हाते भी नजर आ रहे हैं। वही ठंड के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। लोग सुबह से लेकर शाम तक अलाव जला रहे हैं पर ठंड दूर नहीं हो पा रही है। फरीदाबाद भी कोहरे की सफेद चादर में लिपट गया जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। और इसी के साथ बता दें कि दूसरी ओर यह कोहरा गेहूं की फसल के लिए भी लाभदायक बताया जा रहा है जिससे किसानों के चेहरे पर रौनक नजर आ रही है। आज देशभर में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु पवित्र सरोवरों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि ब्रह्म सरोवर पर अनुमान के मुताबिक श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ नहीं जुट पाई है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।